बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं मनोज। बिहार मिथिला न्यूज दरभंगा के ही नहीं पूरी बिहार की जनता का स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रही है और सही रिपोर्टिंग दिखाती रहती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की जान बच जाती है तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और इस परिस्थिति में जो भी सहयोग करते हैं, जो भी संस्थान सहयोग करते हैं, हम उनके प्रमोशन के लिए या उनके जो भी जो सिस्टम है उसे हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। हम बता दें कि अभी पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में हमारे साथ डॉक्टर प्रताप दास गुप्ता जी हैं। आपका स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं? हम बता दें कि दरभंगा पारस की जिम्मेवारी, लाखों मरीजों की जो जिम्मेवारी है वो इनके कंधों पर आ गई है और इन्होंने तमाम कुछ दिनों से, कोरोना काल से लेकर के उसके बाद से, मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए आगे बढ़ कर के काम किया है, यानी कि मानव सेवा से भी ऊपर बढ़ कर काम किया है। जहाँ लोग ये कहते थे कि पारस जो है सो वो ज़्यादा हाईटेक है, वो ज़्यादा पैसा लेता है, लेकिन हमने देखा कई मरीजों का इन्होंने ऐसा इलाज किया जो खुशी क्या। हाँ, तो आप अगर देखते रहे होंगे तो हम लोग ने यहाँ पे कोरोना काल के टाइम से बहुत लोगों की सेवा की है और हमने यहाँ पे बहुत हद तक पेशेंट के तरफ देख के बिलिंग को रिवाइज़ किया है, बिलिंग को ठीक किया है ताकि पेशेंट को वहाँ पे दिक्कत ना हो। बहुत से गरीब पेशेंट भी हमारे पास आए हैं जो ट्रीटमेंट लिए हैं, उनको यथाजथ हम लोग डिस्काउंट भी आगे प्रदान किए हैं और उचित ट्रीटमेंट के साथ उनको हम लोग यहाँ से स्वस्थ करके ही घर भेजे हैं। तो हमारा यही एम है कि दरभंगा और पटना के बीच में जितने भी पेशेंट हमारे पास आए वो हमसे स्वस्थ होके बेहतर ट्रीटमेंट मिलके वो घर वापस जाए। आजकल जो आप लोग देखे होंगे तो आजकल डेंगू का सीज़न बड़ा आया हुआ है, बहुत सारे डेंगू पेशेंट चारों ओर है, तो पारस भी इसमें आगे बढ़ा हो रहा है। और दरभंगा पारस ही नहीं बल्कि पटना पारस पूरी तरह ऐसे मरीजों की जो इलाज है प्लेटलेट्स के जरिए, चूँकि सारे व्यवस्था है, अगर दरभंगा पारस में भी आप भर्ती होते हैं तो 2 से 2.5 घंटे में आपके पास वो भी पहुंच सकता है ताकि आपका इलाज हो। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल केस आते हैं ज़्यादा, या अचानक किसी की कार्डियो की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस परिस्थिति में किस तरह आपने एक व्यवस्था की है पटना में भी और यहाँ भी? तो पारस बिहार में फेमस ही है ट्रॉमा के लिए। आप जो भी बोलिए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बोलिए, फॉल फ्रॉम हाइट बोलिए, या हम लोग रिसेंटली देखे बहुत सारे गनशॉट पेशेंट भी हमारे पास आता है। तो इसके लिए हमारे पास दरभंगा में रेसिडेंट सर्जन, रेसिडेंट न्यूरोसर्जन, रेसिडेंट न्यूरोलॉजिस्ट, रेसिडेंट कार्डियक इंटरवेंशनिस्ट सब मौजूद है। तो कभी भी कोई भी क्षेत्र में अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक लेके आता है, जो MI हम लोग बोलते हैं, और उनको तभी तुरंत स्टेंटिंग करना पड़े तो हमारे डॉक्टर वहाँ पे उपलब्ध है 24 घंटे, वो आके स्टेंटिंग कर देते हैं। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ब्रेन इंजुरी लेके आते हैं, वो पेशेंट भी हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं थ्रू द न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन यहाँ पे 24 घंटा मौजूद है, हम लोग रात रात पर खड़े होकर वो 6-6 घंटा 8-8 घंटे का सर्जरी करके पेशेंट को बचाए हैं। और आगे भी आपको बताए कि ये सब छोड़ के भी 2 दिन पहले वर्ल्ड स्ट्रोक डे था, तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे में हम लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट आ जाता है ब्रेन। ब्रेन स्ट्रोक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ब्रेन स्ट्रोक के लिए पहला 4-5 घंटा बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे अगर उनको ब्लड थिनर्स, थ्रोम्बोलिसिस कर दिया जाए या उनको प्रॉपर इंटरवेंशन मिले तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है। आपको बताने में हमको बहुत खुशी है कि हम लोग पारस पटना में फर्स्ट टाइम न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट एक डॉक्टर है जो हमें ज्वाइन किए हैं, डॉक्टर पांडुरंग रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी मुंबई से पटना आए हैं, पारस पटना ज्वाइन किए हैं और वो पारस पटना और पारस दरभंगा दोनों यूनिट में आते जाते रहेंगे। वो न्यूरो इंटरवेंशन का काम करते हैं, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है बिना सर्जरी के अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाए थ्रू न्यूरो इंटरवेंशन, तो वो डॉक्टर रेड्डी करेंगे।
इसमें यस खर्चा ज़्यादा है, बट इसमें क्या है, पेशेंट का रिकवरी और बेहतर है, पेशेंट का चांसेस ऑफ सर्वाइवल और बेहतर हो जाता है, और पेशेंट का फ्यूचर लाइफस्टाइल इंटैक्ट रहता है। ब्रेन खोलने की आवश्यकता नहीं है और ब्रेन सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे आपका ब्रेन ऑपरेशन होने पे एक लाइफस्टाइल चेंज आता है, वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं आएगा। तो हम बता दें, खासकर दरभंगा पारस ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर आपको विश्वास इसलिए होता है पहली नज़र में, क्योंकि वहाँ हाईटेक मशीन और जो क्वालिटी, जो यहाँ पर डॉक्टर हैं, चाहे पारामेडिकल स्टाफ्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, या फिर यहाँ का जो मैनेजमेंट है, ये अलग बात है कि ये पारस एक कॉरपोरेट एजेंसी है, इसके लिए सिस्टम अलग है और इसके जो खर्चे हैं वो पूरे मेंटेनेंस को देखते हुए आप समझ सकते हैं। लेकिन पारस एक ऐसी संस्था है जिस पर आप इसलिए भी अब विश्वास कर सकते हैं कि अगर यहाँ कहीं भी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है और पारस में आते हैं, तो पटना पारस के भी जो सक्रिय डॉक्टर हैं, जो बेहतर डॉक्टर, वो आपका इलाज करके मरीजों का जो लाइफ स्टाइल है, जो सक्सेस रेट है, वो कर सकते हैं। सही बात। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ पेशेंट्स, कि कोई बहुत क्रिटिकल पेशेंट आया, हमें लग रहा है कि वो पटना में बेटर मैनेज होगा, तो हम लोग यहाँ से पटना में शिफ्ट कर देते हैं, और वो भी क्या, हम लोग उस पेशेंट को दरभंगा का जो रेट है उसी रेट में ट्रीटमेंट करते हैं, ये नहीं कि पटना के रेट में वो ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, एक्सचेंज ऑफ अपग्रेडेड स्टाफ, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है बिहार के लोगों के लिए, सो दैट इनको लोगों को लाइफस्टाइल जो है, हेल्थ केयर जो है, वो अच्छे से मिले, बेहतर मिले। तो हम बता दें कि पारस का इसलिए हम आप लोगों के बीच इस संवाद को रख रहे हैं, क्योंकि आप जब 12 बजे रात में अचानक जो ट्रॉमा केस, जो एक्सीडेंटल केस होता है, जो अचानक जो हार्ट अटैक के केसेस आते हैं, उस समय मात्र आधा घंटा समय मिलता है, और उस समय आप कहीं इधर उधर भटक कर आप अपने मरीजों को गंभीर स्थिति में डालते हैं और लास्ट स्टेज में जाते हैं जहाँ बचने की उम्मीद काफ़ी कम होती है। ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित तौर पर जो सेलेक्ट करते हैं पारस को, उसका यही कारण है कि वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध होती है, और अब एक नई व्यवस्था के साथ पारस पटना जो है पूरा हाईटेक सिस्टम के साथ दरभंगा के हर एक मरीजों के लिए भी अब जुड़ गया है, जिससे आपका लाइफ बचने की, लाइफ सेविंग की और भी उम्मीद बढ़ गई है। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दिवाली के अवसर पर सबको पारस से शुभकामनाएँ। दिवाली और छठ आपका अच्छा कटे, आप स्वस्थ रहें। कोरोना अभी भी है तो वैक्सीनेशन ज़रूर ले और गवर्नमेंट का सहायता कीजिए, कहीं भीड़ मत कीजिएगा। और आज शाम को पारस के परिवार के लिए एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी गई है, तो जहाँ पे पारस के जितने भी एम्प्लॉई है उनके मनोरंजन के लिए थोड़ा सा कार्यक्रम है। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद। तो आपके सुखी संपन्न जीवन के लिए और पारिवारिक खुशी के लिए पारस इस बार कितना सहयोग करेगा, वो आप लगातार देखते रहिए, क्योंकि पारस की भी यही इच्छा है कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और ये संदेश अपने आसपास के लोगों को भी दें, ताकि वक्त पड़ने पर पारस आपकी मदद के लिए आगे आ सके। धन्यवाद। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ में, सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।